असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड टूडेज डिस्कस द टॉपिक टाइप्स ऑफ स्टाइल बट्स फर्स्ट अंडरस्टेंड वट इज स्टाइल सो स्टाइल इज द वे एंड विच एंड ऑथर राइट्स और टेल्स अ स्टोरी स्टाइल हम अंदाज को कहते हैं चाहे वो लिखने का हो या बोलने का हो अगर हम राइटिंग की बात करें तो एक राइटर के लिखने के अंदाज को हम स्टाइल कहते हैं या हम यू भी कह सकते हैं स्टाइल इज अ टेक्निक दैट एन इंडिविजुअल राइटर यूज इन हिज राइटिंग क्योंकि हर राइटर के लिखती का अंदाज दूसरे राइटर से डिफरेंट होता है और इस अंदाज को हम सोशो लिंग्विस्टिक्स में स्टाइल कहते हैं वी ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन स्टाइल इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच डेट वीडियो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ कमिंग टाइप्स ऑफ स्टाइल देअर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ स्टाइल विच इंक्लूड नेरेटिव स्टाइल डिस्क्रिप्टिव स्टाइलिव स्टाइल एंड एक्सपोजिटरी स्टाइल लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिम वन बाई वन द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल इज नरेटिव स्टाइल द वर्ड ने ड्राइव फ्रॉम द वर्ड नरेशन विच मीन्स टू टेल अ स्टोरी और टू नरेट अ स्टोरी नेरेटो स्टाइल राइटिंग की वो स्टाइल है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है जिस तरह एक स्टोरी में करेक्टर्स सेटिंग्स क्लाइमैक्स प्लॉट और इवेंट्स का होना ज़रूरी होता है तो इसी तरह नेरेटो स्टाइल में भी इन सब का होना लाजमी होता है मॉल ओवर द इवेंट्स एंड नेरेटो राइटिंग स्टाइल शुड फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सबसे पहले बिगेनिंग होना चाहिए इसके बाद मिडल होना चाहिए और लास्ट में स्टोरी का एंड होना चाहिए एग्जाम्पल्स ऑफ नेरेटो स्टाइल्स इंक्लूड शॉर्ट स्टोरीज नावल्स बायोग्राफीज, ऑटो बायोग्राफीज हिस्ट्री ड्रामा पोइट्री इन अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर द सेकेंड टाइप ऑफ स्टाइल इज डिस्क्रिप्टो स्टाइल द वर्ड डिस्क्रिप्टो मीन्स टू पेंट अ पिक्चर क्योंकि डिस्क्रिप्टो राइटिंग स्टाइल में एक राइटर वर्ड्स के थ्रू पिक्चर्स को डिस्क्राइब करता है उसको पेंट करता है और वर्ड्स के थ्रू ही वो किसी पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट इवेंट और फीलिंग्स को डिटेल में डिस्क्राइब करता है एंड डिस्क्राइब ऑल द ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट्स एंड डिटेल मोर ओवर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल में राइटर ऐसे वर्ड्स का यूज करता है कि वो रीडर्स के सेंसेस और इमोशंस को अपील करे और उन सारे इवेंट्स करेक्टर्स और प्लेसेस को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि रीडर्स को यूँ लगे कि वो सारी चीज़ें उसके सामने हो रही है और वो उसको एक्सपीरियंस कर रही है इन अदर वर्ड्स वी कैन से सेट द रीडर्स कंसिडर दमसेल्व टू बी द पार्ट ऑफ अनदर वर्ल्ड लेट सपोज आप किसी नावल को रीड कर रहे हैं तो रीड करते वक्त आपको यूँ लगेगा कि आप भी नावल का एक हिस्सा है और उन सारे एवंट्स को ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इस स्टाइल को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टो स्टाइल और ये स्टाइल मोस्टली लिटरेचर में यूज़ होता है द थर्ड टाइप ऑफ स्टाइल इज़ स्टाइल द वर्ड परसुवेसिटा टू कन्विंस क्योंकि राइटिंग स्टाइल में एक राइटर आर्गोमेंट्स प्रेजेंट करता है ताकि रीडर्स को कन्विंस कर सके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और रीडर्स को कन्विंस करने के लिए वो रीजंस देता है जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है और एग्जांपल्स भी प्रेजेंट करता है ओवर

तो वो इस आर्टिकल में जो भी लिखेगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बैस होगा वो एविडेंसेस पर बैस होगा और वो ऐसे आर्गोमेंट्स को प्रेजेंट करेगा ताकि रीडर्स को कन्विंस कर सके और वो एक आर्गोमेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बैस होंगे तो इस टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल को हम कहते हैं परसुवे राइटिंग स्टाइल द फोर्थ टाइप ऑफ स्टाइल इज़ एक्सपोजिटरी स्टाइल एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो नॉन इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल क्योंकि एक्सपोजिटरी स्टाइल में एक राइटर एक ही टॉपिक पर डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लाइक स्टाइल एक्सपोजिटरी स्टाइल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स और यहाँ पर राइटर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ट होगा और राइटर यहाँ पर अपने ओपिनियंस और फीलिंग्स को नहीं डाल सकता इट मीन्स डैट एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर Examples of expository writing style include mostly scientific reports and other informational articles. So, this was all about today's lecture. I hope this video is helpful for you. And thank you for watching this video.